क्रिकेट, पैसा, ग्लैमर, शोहरत, साजिश और अपराध का डेडली कॉकटेल। लगा तो नहीं? नहीं। अच्छा हम चलते हैं, हमारा सिलेक्शन है। हाँ हाँ तुम जाओ बेटा, जाओ। ये गिरा कैसे? पता नहीं। हाय आरती, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छे से खेलना। बिल्कुल, चलते हैं, बाय। इतना निराश क्यों हो रहे हो? देखना इस बार जरूर खुशखबरी मिलेगी। गुरुजी ने फुल गारंटी दिया है, बोला है इस बार हो के रहेगा, पूरा भरोसा है। और तुम्हारे पापा भी तो बात कर रहे हैं ना, उन्होंने बात करके रखी है। चलो कैसे हो शुभम? अच्छा हूँ क्रांति भैया, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ शुभम यार, माफ करना लेकिन तुम्हारा बैग चेक करना पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, कीजिए ना। प्रैक्टिस कैसी चल रही तुम्हारी? अच्छी चल रही है भैया। सिलेक्शन इधर जा रही है। गुड लक, गुड लक। थैंक यू। हाँ बोलिए होम मिनिस्टर साहिबा। हाँ स्टेडियम आना है? हाँ तो आप पहुँचे हमारे। हाँ किट है हमारे पास। ठीक। अरे भैया हम भी स्टेडियम जा रहे हैं, आपको छोड़ देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। भैया आपको देखकर ना सब बहुत खुश होंगे। आपने जब से पुलिस की नौकरी के लिए एकेडमी छोड़ी है तब से आप आए नहीं यहाँ पर। आप देखना सभी आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। अरे आ गए हमारे साहबजादे। मेरा बच्चा। साइज में छोटे हैं लेकिन वर्ल्ड में सबसे बड़े फैन हैं आपके। कैसे हैं आप? भैया मैं आपके जैसा बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। बिल्कुल हमारे छोटे धोनी। अच्छा भैया हम निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। हाँ सेल्फी हो जाए। हाँ। थैंक यू। अच्छा भी हम चलते हैं, ठीक, बाय बाय। गुड लक। थैंक यू भैया। तो साहबजादे मिल गए आपको आपके शुभम भैया? गोल्डन रूल याद है? हाँ पापा, ये देखिए। अरे कोई भी खिलाड़ी ना छोटा ना बड़ा। बाश। जाइए प्रैक्टिस कीजिए। बाय। ऑल द बेस्ट। बॉयज, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सिलेक्शन कैंप का आखिरी दिन है। हमारे बीच में जोनल के दोनों सिलेक्टर मेंबर्स आ चुके हैं, नीलूदा और राजेंद्र जी। हेलो बॉयज। नमस्कार। ये दोनों आपको असिस्ट करेंगे। वैसे तो मैंने डोमेस्टिक मैच में आपकी परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन आज आप लोगों के पास आखिरी मौका है। यस सर। भाई जी खेल शुरू कीजिए। सबसे पहले मुझे अविनाश का विकेट कीपिंग देखना है। ओके सर। आपसे कोई मिलने आया? मुझसे? यस सर। चलिए। ये साहब ने भेजा है। आइए सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। गुड जॉब। बस सिलेक्शन का टाइम तुम इतना अच्छा कैच लपकते हो जैसे तुम्हारे हाथ में गोंद चिपका हो, और मैच के टाइम तुम्हारे हाथ में क्या हो जाता है? इतने आसान आसान कैच तुम छोड़ देते हो। वो क्या है ना सर, मैच का थोड़ा प्रेशर रहता है ना सर, इसलिए। इस बार मेरा जूनियर टीम में सिलेक्शन हो जाएगा ना? देखो यार, कंपटीशन बहुत टफ है, और तू तो जानता है कि तेरा कंप्यूटर कौन है। छोड़ो, पसीने से भरे हुए हैं। हमें चलेगा। वैसे प्यार में ना पसीने का कुछ अलग ही मजा है। बेशरम हो आप, जाने तो प्रैक्टिस करनी है। कभी प्यार की भी प्रैक्टिस कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्रिकेट के चक्कर में प्यार की प्रैक्टिस करना ही भूल जाओ। हो गया, अब जाओ। अब अच्छा सुनो, कल रतिकांत से मिलना है, उनको लेके आऊंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू। कैमरा ऑन कर। क्यों अविनाश, आज तो टीम का सिलेक्शन है ना? और मौका है क्रिकेट टीम जूनियर्स के सिलेक्शन का, और हमारे पास आ चुकी है सारी प्लेयर्स की लिस्ट। सभी प्लेयर्स के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पूरे देश से 15 प्रतिभावान खिलाड़ियों को चुना गया है। ये खिलाड़ी आने वाले कई मैच में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: कैप्टन गुरप्रीत मोगा, बाकी खिलाड़ी हैं श्रीधर ओझा, टी एस रमन्ना, अनिल सोरी, शरद त्रिपाठी, और विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में चुने गए हैं। शुभम। यस! अरे हमको तो मालूम था टैलेंटेड लड़का है शुभम, इसका तो होना था सिलेक्शन। अरे सर क्या बात है, जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है। बहुत सही, बहुत। और जूनियर टीम के 15वें खिलाड़ी का नाम है परवेज आलम। उनसे जरूर कोई गलती हुई होगी, वो तेरा नाम लेना भूल गई होगी। अरे हाँ सुन, तू मोबाइल निकाल, वो मोबाइल पे आजकल सारे नाम आ जाते हैं ना, मोबाइल निकाल। अविनाश सुन बेटा, निराश नहीं होते, पापा आएंगे ना, जैसे पापा आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। सुन अविनाश, अविनाश अविनाश, अविनाश। कंपटीशन बहुत टफ है और तू तो जानता है कि तेरा कंप्यूटर कौन है। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुझे कि सारे डोमेस्टिक रिकॉर्ड इसके नाम से हैं। ओपनिंग बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर, टैलेंट मतलब ऑसम। आज शुभम का सिलेक्शन हुआ है, इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभम एक मिनट आना। शुभम, रतिकांत, मैंने बताया था ना तुमको। हाँ शुभम, हाय हाय। मेरे सामने हिंदुस्तान का वो उभरता सितारा खड़ा है जो एक दिन कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचेगा। भाई ऑटोग्राफ दे दो, पता नहीं कल मौका मिले ना मिले। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, ऑटोग्राफ तो चाहिए बट इन एग्रीमेंट्स पेपर पर। निहारिका ने बताया होगा। लेट मी टेल यू अगेन, हमारी कंपनी है जो स्पोर्ट्स पर्सन को मैनेज करती है। आज से आपकी स्पोर्ट्स लाइफ हमारी कंपनी मैनेज करेगी। बस अब आप ये एग्रीमेंट साइन कर दीजिए और ये आपकी साइनिंग फीस सिर्फ 5 लाख। मेरे हिसाब से तो किस्मत खुद चल के तुम्हारे पास आई है। इट्स ओके, टेक योर टाइम, रात भर सोच लीजिए, कल साइन कर देना। बाय द टाइम ये एग्रीमेंट और चेक अपने पास ही रख लीजिए। टेक इट। और अगर साइन ना करो तो? साइन ना करूं तो ये 5 लाख का चेक एक कददान की तरफ से होनहार क्रिकेटर को गिफ्ट समझ के रख लीजिए। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे? अब नोवेट स्पेशल, बस सिलेक्शन का सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो मेरी गाड़ी ले जाओ। नहीं, वो बाइक है मेरे पास। शुभम ये बाइक वाइक छोड़ो और महंगी गाड़ियों की आदत डाल लो। Come on, take it. Have fun. Let's see ya. Take care. Yeah. Take care, Shubham. Bye. मुबारक हो, जूनियर क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, 5 लाख का चेक। तुम तो सेलिब्रिटी बन गए यार। वैसे तुम्हारे लिए गिफ्ट है हमारे पास। गिफ्ट? क्या? सुनो, क्या कोई रास्ता नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाए? एक रास्ता है, अगर शुभम जख्मी हो जाए या खेलने लायक न रहे। जख्मी किया भी तो जा सकता है, इतना तो करा ही सकते हो ना। अरे कैसे है चचा? अरे ठीक है भैया। लाइए गर्मा गर्म दूध बना लीजिए। भाई बनाए देते हैं। हो गया चचा? लो भैया मीठा कर दिया। अरे चाचा ये दो लोग कौन है? कभी देखा नहीं सा है? कविता जी। जी सर। कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, सिर्फ ये फोन और बैग मिला है और ये बाइक। मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा है। परसों ही तो मुलाकात हुई थी शुभम से। कोई ना कोई साजिश जरूर है इसके पीछे। सर एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। इस पूरे इंसिडेंट का इस लड़के ने एक वीडियो बनाया है। तो कैसे इंसान हो? यहाँ किसी का खून हुआ है, आप लोगों को वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है। सर दरअसल ये उन दो बहरूपियों का वीडियो बना रहा था और अचानक से ही वारदात हो गई, इसलिए सब कुछ कैप्चर हो गया। वीडियो दिखाइए। नकवी साहब इसको ट्रांसफर करिए अपने में। जी जनाब। हाँ यादव जी बोलिए। क्या निहारिका सिंह रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम द सिलेक्शन वेन्यू ऑफ लखनऊ न्यूज। तो निहारिका है? जी सर। कमाल की बात, शुभम जूनियर क्रिकेट टीम का विकेटकीपर और बैट्समैन, और निहारिका। एक का मर्डर होता है और एक की लाश मिलती। कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा नकवी साहब दोनों में। जनाब रात को सर्वर भी डाउन था और लाइट नहीं रहेगी इसका नोटिस पहले से लगा दिया गया था। सर शुभम का फ़ोन मैंने चेक किया था। उसने आज सुबह 7:12 पे निहारिका को कॉल किया था, लास्ट कॉल। ये स्टेडियम में कोई और ही खेल चल रहा है नकवी साहब। हो सकता है जनाब। कविता जी। जी सर। इन दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाई और यहाँ की अथॉरिटी से बात कीजिए। हमें तो चलना होगा नकवी साहब, शुभम के गैराज। सर ये ललित जी हैं इस गैराज के मालिक, और ये शुभम के बाबूजी महेश। 2 दिन पहले ही सिलेक्शन हुआ था शुभम का क्रिकेट टीम। हाँ साहब, यहीं रह के काम भी करता था और खेल भी सीखता था। ये हमारा दूर के रिश्तेदार है, लेकिन बेटे की तरह रखते थे। बहुत खुश था, घर आ रहा था, पता नहीं किसने। आप बता सकते हैं शुभम यहाँ कहाँ रहता था? यहीं रहता था साहब। शुभम की किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? नहीं साहब, बहुत ही अच्छा लड़का था साहब, ना किसी से कोई दुश्मनी ना झगड़ा। लेकिन हमको लगता है उसका कोई दुश्मन जरूर था साहब। आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी 3 दिन पहले एक हादसा होते होते रह गया। शुभम खेलने के लिए कमरे से बाहर निकला, तभी अचानक एकदम से कार का दरवाजा ऊपर से नीचे आ गिरा, बाल बाल बच गया साहब। कौन कौन था उस वक्त गैराज में? बस हम थे और हमारा एक मैकेनिक था आरिफ। आरिफ कहाँ है? वो 2 दिन से काम पर नहीं आ रहा है साहब, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। उसका कोई फोटो या एड्रेस तो होगा आपके पास? जी। कविता जी, सर्च जारी रखिए। जी सर। लड़की कौन है सर? ये गैराज के मालिक, ये ललित की बेटी है। आरिफ, आरिफ घर में नहीं है साहब, वो तो बहुत दिन से घर नहीं आया है। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं साहब। आरिफ ने फिर कुछ किया है क्या? क्या खबर कविता जी? सर, शुभम के बैग से कुछ कागजात मिले, एक एग्रीमेंट पेपर, 5 लाख का चेक और एक एनवलप का सौ। तो ये माजरा है सारा, पूरा खेल स्पॉट फिक्सिंग का है। बड़े से बड़ा धुरेंद्र शामिल है इसमें। लगता है केस सॉल्व हो गया। क्यों नकवी साहब, शरद त्रिपाठी को जानते हैं? कौन सर? जूनियर क्रिकेट टीम का एक प्लेयर है, शुभम के साथ ये भी सिलेक्ट हुआ था। जी। उसका बैंक डिटेल्स निकलवा सकते हैं सर? पूछेंगे तो हो सकता है मना कर दें। पूछने के लिए कौन कह रहा है नकवी साहब, तो अपने तरीके से निकालते हैं सर। मेरा वॉलेट, वॉच भी नहीं है यार। शरद बाबू, आपका सारा सामान इधर है हमारे पास। आप यहाँ तो कहाँ? इतनी महंगी घड़ी, बटुए में इतना पैसा, और ये अमेरिकन डॉलर, और तुम्हारा वो खुशबू वाला परफ्यूम कहाँ से आया भाई? ये सब खरीदे हैं। खरीदे हो? हमने सुना तुम्हारे पापा गंज में एक दुकान में नौकरी करते हैं और उनकी महीने की तनख्वाह 12,000 रुपए है। तुम जो फुसफुस वाला खुशबू लगाते हो ना, परफ्यूम, उसकी कीमत 15,000 है। और ये घड़ी 1.5 लाख की है। घर में कोई पैसे का पौधा वौधा लगा है क्या? ये सब हमको गिफ्ट में मिला है। कुछ खरीदा है और कुछ गिफ्ट में मिला है। बहुत बढ़िया डिफेंस किया भाई। अब हमारी अगली गूगली के लिए तैयार रहिए। तुम्हें मालूम है तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास। नकवी साहब जरा दिखाइए। ये देखिए, पिछले 2 सालों में 15 लाख रुपए, वो भी कैश, कहां से आए बैंक अकाउंट में? ऐसा कोई गिफ्ट देता है क्या? रतिकांत दुबे ने तो नहीं दिए? रतिकांत दुबे? देखिए, हम रतिकांत दुबे को जानते हैं, लेकिन हमने सिर्फ उससे उधार लिया था बस। सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ, वरना ऐसी नकदी दबाएंगे ना। कविता जी, शुभम का लिखा हुआ लेटर है हमारे पास, उसके मर्डर से पहले। और जानते हो उसमें क्या लिखा है? मैं शुभम, जूनियर टीम का विकेट कीपर बैट्समैन, आपको ये बताना चाहता हूँ कि रतिकांत दुबे स्पॉट फिक्सिंग का रैकेट चलाता है, निहारिका का इस्तेमाल करके खिलाड़ियों तक पहुँचता है, और शरद त्रिपाठी ने पैसे लेकर कई बार स्पॉट फिक्सिंग की है, और मैच के दौरान कैचेस छोड़े हैं। जैसे तुम्हारे हाथ में गोंद चिपका हो। और मैच के टाइम तुम्हारे हाथ में क्या हो जाता है? इतने आसान आसान कैसे तुम छोड़ देते हो? वो क्या है ना सर, मैच का थोड़ा प्रेशर रहता है ना सर, इसलिए। जानबूझ के कम रन बनाकर आउट भी हुआ है बेटा। 2 मिनट लगेंगे प्रूफ करने में ये सब। हमसे गलती हो गई सर, माफ कीजिए सर, दोबारा कभी नहीं होगा सर हमसे। इंक्वायरी तो हो, केस भी चलेगा। अब जल्दी जल्दी बताइए कि तुम्हारा रतिकांत दुबे रहता कहाँ है? लगता है भाग गया। ये निहारिका कहाँ रहती है? सर यहीं पास में रहती है, और रतिकांत ने ही उसे रेंट पे घर दिलवाया था। सर्च वारंट है ना हमारे पास? जी सर है। चलिए उसके घर की तलाशी ली जाए। ओके सर। सर, हैंडल पे फिंगरप्रिंट्स हैं, यहाँ चेक करिए। जी सर, यहाँ भी फिंगरप्रिंट्स हैं। सर इस पे भी हैं। सर केस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये रतिकांत निहारिका का इस्तेमाल करके स्पॉट फिक्सिंग करवाता था, और सर ये बात शुभम को पता चल गई होगी, लेकिन वो इससे पहले कि ये सारी की सारी बातें पुलिस या फिर अपने कोच को बता पाता, बेचारे का खून कर दिया गया। सर हो सकता है स्पॉट फिक्सिंग वाली बात निहारिका ने शुभम को बता दी और इसीलिए रतिकांत ने निहारिका को भी खत्म कर दिया। ये रतिकांत को ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ का रहने वाला है, कहाँ जाके छुपा है। इसके रिश्तेदार लोग, जानने वाले जितने भी लोग हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। हमें लगता है इसके आसपास के लोग जानते होंगे कि कहाँ है। जी जनाब। क्यों मारा निहारिका को? सर हाँ, हमने नहीं मारा। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स निहारिका के घर से बरामद हुए। देखिए, वैसे तो 2 दिन लगेंगे हमें फिंगरप्रिंट्स मैच करवाने में। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि अभी बताना है कि बाद। शुभम की चिट्ठी मिली, उसने अपने हाथों से खुद लिखी, जिसमें तुम्हारा जिक्र है, निहारिका का जिक्र है, शरद का जिक्र है और स्पॉट फिक्सिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है उसने। शरद की तो गवाही भी है हमारे पास। आप क्या कह रहे हैं? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये कौन लोग हैं? हम नहीं जानते इन्हें। तो तुम्हारे फोन में उनके नंबर क्या कर रहे हैं? तुम्हारा साइन किया हुआ 5 लाख रुपए का चेक, अग्रीमेंट पेपर्स, ये सब शुभम के बैग में क्या कर रहे थे? और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो बड़े होटलों में छुप छुप के क्यों फिर रहे? देखिए, सीधे सीधे बता दीजिए, वरना किसी और तरीके से निकलवाना पड़ेगा तुम्हारे मुंह से। बताइए सर, हम और निहारिका साथ में मिलकर प्लेयर्स को फंसाते थे, उनसे स्पॉट फिक्सिंग कराते थे, सट्टेबाजी का काम भी करते थे सर। वो हम चाहते थे कि शुभम हमारे साथ मिल जाए, इसीलिए निहारिका ने शुभम के साथ प्यार का नाटक किया सर। शुभम को फंसाने के लिए हमने कार की डैशबोर्ड में कैमरा फिक्स किया ताकि निहारिका और शुभम के इंटीमेट सीन रिकॉर्ड कर सके। ये रिकॉर्डिंग तो इसीलिए करवानी पड़ी ताकि अगर कल जाके शुभम मुकर गया तो उसे दबोचा जा सके। पर सर, जैसे ही वो कैमरा मैंने अपने लैपटॉप में फिक्स किया, ये तो ब्लैंक है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है सर। हम सीधे निहारिका के घर पहुंचे। शुभम, पर मैं अब सच में तुम्हारे साथ प्यार करने लगी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम रतिकांत के चंगुल में फंसो। सर, ये सब सुन के हमें बहुत गुस्सा है। मुझे धोखा दे दिया। निहारिका की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। मैंने निहारिका की लाश को क्रिकेट किट में डाल दिया और वहाँ फेंक दिया। और उसके बाद तुमने अपने आदमियों से शुभम को भी मरवा दिया? सर, मैंने शुभम को नहीं मारा। हाँ, उसे मारना तो चाहते थे। जैसे हम गराज पहुँचे तो वहाँ था नहीं। हमने नहीं मारा शुभम को सर। हम कसम खाते हैं सर। सर, अगर मारा होता तो कबूल कर लेते। निहारिका को मारा, आपको बता दिया सब कुछ सर। शुभम के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं, सच कह रहे हैं। लोकपाल डे, जूनियर क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर। आपके मैदान में बहुत गड़बड़ चल रही है, बताइए क्या इंफॉर्मेशन देनी थी? मुझे सिलेक्शन में गड़बड़ी करने के लिए ब्राइब देने की कोशिश किया गया। 1 करोड़ कैश। किसने दिया था? वो अविनाश मिश्रा है ना, उसका बाप, वो भेजा था 1 करोड़। बोला कि शुभम का जगह उसका बेटा अविनाश को सिलेक्ट कर दो। मैंने ठुकरा दिया। आपने हमें तब क्यों नहीं बताया? हम आउट ऑफ इंडिया चला गया था ऑफिशियल विजिट के लिए। जब लौट कर आया तो पता चला शुभम का मर्डर हो गया। सोचा कि आपको बताना चाहिए। पुलिस स्टेशन आके बताना चाहिए था ना। हमको यहाँ क्यों बुलाया? वो हम डर गया था। ठीक है, जाइए। नकवी साहब, एक नया पेज फंस गया इस केस में। अविनाश मिश्रा को तो जानते हैं आप, क्रिकेटर। उसके बाप उपेंद्र मिश्रा को बुलाइए जरा। वो आरिफ का क्या हुआ? वो गैराज में काम करने वाला। चलिए, आ रहे हैं। आपको किसी से मिलवाना है उपेंद्र जी। साहब, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे दरवाजा गिराने के लिए, लेकिन मैं निशाना चूक गया था साहब। कितने पैसे दिए थे आपके साहब ने आपको इस काम के लिए? 25,000 रुपये साहब। जाइए। 25,000 रुपये। जूनियर क्रिकेट टीम में सिलेक्शन ना होने की वजह से आपके बेटे अविनाश ने सुसाइड करने की कोशिश की, और हमने ये भी सुना है कि अविनाश का सिलेक्शन सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता था, जब शुभम टीम से बाहर हो जाए। आपने शुभम को इंजर्ड करने की कोशिश की, उसमें आप नाकामयाब रहे। आपने एक सिलेक्टर को 1 करोड़ देने की भी कोशिश की ताकि शुभम की जगह अविनाश का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उसमें भी आप विफल हो गए। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, आपने सीधे शुभम को आउट करवा दिया। Am I right? नहीं, मैंने शुभम को नहीं मरवाया। हाँ, मैंने शुभम को मरवाने के लिए आदमी भेजे थे। हर रविवार शुभम अपने घर जाता था, ये बात मुझे पहले ही आरिफ से पता चल चुकी थी, इसलिए हमारे आदमी शुभम का वही इंतजार कर रहे थे। इससे पहले कि मेरे आदमी शुभम को उड़ा सके, कोई और ही शुभम का काम तमाम कर गया। तो आप कहना चाहते हैं कि आपके आदमियों ने उसे नहीं मारा? शुभम को असल में बहुरूपियों ने मारा है। आप चाहे तो मेरे आदमियों के बयान ले सकते हैं। सर, इस उपेंद्र को बहुत तोड़ा, लेकिन कुछ भी उगल नहीं रहा है। सब क्लियर है, शुभम के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं होगा। हाँ, ऑपरेशन बहरूपिया शुरू करना होगा। उन दोनों बहरूपियों को पकड़ना जरूरी है। उन्होंने कहीं ना कहीं से तो पेंट खरीदा ही होगा, और कहीं ना कहीं तो बॉडी पेंट भी की होगी। सही कह रहे हैं जनाब। नकवी साहब, पेंट के डब्बे में सीरियल नंबर लिखा हुआ है, पता करिए किस हार्डवेयर की दुकान से खरीदा गया है। उन दोनों ने पेंट भी साथ में खरीदा है और खाना भी साथ में ही खरीदा है। ठीक है जनाब। सर, जिस दुकान से उन दोनों ने वो पेंट खरीदा था, उसका सीसीटीवी फुटेज मिल गया। ठीक है, ये देखिए सर, इन दोनों ने पेंट खरीदा और इन दोनों के हाथ में बैग भी है खाने का। सर, ये नलप्पा तो नहीं है? एक सेकंड सर, नलप्पा ही है, और ये उसके साथ परमू। इन पर तो कार चोरी के कई मामले चल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में नए नए एंगल खुल रहे थे। अब एक कार चोरी करने वाले नलप्पा और परमू ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया था, लेकिन सवाल था कार चोर का एक प्लेयर के मर्डर से क्या लेना देना। गोल्डन रूल याद है? हाँ पापा, ये देखिए, कोई भी खिलाड़ी ना छोटा ना बड़ा। खेल के सारे बड़े खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन ये खेल किसी छोटे खिलाड़ी का तो नहीं था। आरती जी, पापा के लिए टिफिन ले जा रही। हम बात कर सकते हैं आपसे कुछ? एक्चुअली हमने उस दिन आपको देखा रोते हुए। शुभम के पापा से मिलकर आप काफी दुखी दिख रही थी, परेशान थी। शुभम से कोई खास रिश्ता? शादी होने वाली थी उससे हमारी, लेकिन वो तो निहारिका से। पता है, इसीलिए उसने शादी से मना कर दिया। आई एम सॉरी, ये सब नहीं पूछना चाहिए था। आप जा सकती। बोलिए नकवी साहब। सर उन्नाव के थाना प्रभारी का फोन आया था सर, उनका कहना है कि उन्होंने उन्नाव के पास नल्लप्पा और परमू को देखा है। मुझे लगता है कि ये लोग वहाँ पे कोई नई वारदात को अंजाम देने के लिए पहुँचे हैं। सर एक काम करिए नकवी साहब, कि थाना प्रभारी को फिर से फ़ोन लगाइए और उन दोनों की एग्जैक्ट लोकेशन पता करिए। ठीक है जनाब। इन दोनों को तो पहचानते ही होंगे आप। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बेटी शुभम से शादी करना चाहती थी और शुभम ने शादी करने से मना कर दिया। यही वजह थी ना। धोखा दिया उसने हमको। क्या नहीं किए हम उसकी खातिर। अपनी जेब का पैसा लगाकर उसको खेला सिखाया, अपना बच्चा समझकर उसको ध्यान रखा, फिर भी हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। ऐसा ना कर बेटा, हमारा समाज में बहुत चले देर हो जाएगा। सबको पता है हमने तुम्हारा ब्याह आरती के संग तय किया, अब अगर तुम मना कर दोगे तो कैसे चलेगा बेटा। मैं जानता हूँ बाबा, लेकिन मैं निहारिका से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी के साथ करना चाहता हूँ। मेरी बेटी रो रो कर अधमरी हो गई थी। आसपास के लोगों ने ताना देने शुरू कर दिए थे। इतनी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई, इसलिए मरवा दिया हमने उसको। ये नल्लप्पा और परमू को कैसे जानते हैं आप? शुभम को मारने के लिए वो दोनों तैयार कैसे हो? ललित, मुझे तेरा गैराज चाहिए। मेरी चोरी की जितनी भी गाड़ियां आएंगी सबकी सभी दरी पेंट होंगी। तू हाँ बोल तो पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप करूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। बोलना। मर्डर करना होगा। बस खेल खत्म। खेल तो आप लोगों का खत्म हुआ, क्योंकि गुनाह करने के बाद कोई बच नहीं सकता। अब सड़िए जिंदगी भर सलाखों के पीछे। हर इंसान के भीतर लालच, स्वार्थ और गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाएं होती हैं और इन्हीं भावनाओं का ज्यादा हो जाना अक्सर इंसान को गलत राह की तरफ मोड़ देता है। ललित की बेटी इस अपराध में शामिल नहीं थी और शुभम के माँ बाप के लिए ये बहुत ही दुख और सदमे वाली बात थी कि उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा करके अपने बेटे की परवरिश ललित के हाथों सौंपी और उसी ललित ने उनके चिराग को छीन लिया और एक प्रतिभावान खिलाड़ी का दुखद अंत हुआ। अगर हम किसी की मदद करें तो उससे कुछ पाने की अपेक्षा क्यों करें? हमें इस हकीकत से वाकिफ होना होगा कि जो हमारे लिए नहीं है वो हमारा हो नहीं सकता। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा और ललित जैसे व्यक्तियों से सतर्क रहें। तभी रहेगा सावधान इंडिया। जय हिंद।